राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम 5 बजे का टाइम और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि बहुत ख़ास तैयारी के लिए, यानी कि मुझे करनी है करवा चौथ की शॉपिंग, क्योंकि अब नज़दीक आ ही गया है तो शॉपिंग करना तो बनता ही है। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, नहीं वरना मैं अभी तक मैं शॉपिंग कर ही लेती। तो बस निकल रही हूँ और ये बाइक का औरत काफ़ी देर से दे रहे हैं, लेकिन मुझे ही टाइम लग गया क्योंकि घर में भी पूरा सब कुछ संभाल के ही निकलना पड़ता है। और आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं निकलने लगी और मैंने पैसे जो निकाल के रख दिए फ्रिज के ऊपर और पर्स लेके खाली जाने लगी। तो जब तक निगाह पड़ गई अभिषेक की, तो बोलता है मम्मी पैसे तो आप यही रख के जा रही हो, खाली पर्स लेके जा रही हो। बोलते ना दिमाग में इतनी उलझने रहती हैं ना कि हम ऐसा ही होता है। और शायद मार्केट में जाके तब मैं देखती कि यहाँ दो मेरा पर्स खाली है। और बस अब मैं निकल रही हूँ और थोड़ा देर हम मार्केट पहुँच ही जाएंगे। यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ मार्केट में और इसके सबसे पहले मैं आई हूँ अपने लिए बिछिया ख़रीदने। तो बिछिया मैं देख रही हूँ और मैं अक्सर तीन तीन नहीं पहनती, दो दो ही पहनती हूँ, तो मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ चूड़ी की दुकान पे। तो यहाँ मैं अपनी चूड़ी निकलवा रही हूँ मैचिंग की। तो यहाँ मैंने चूड़ियाँ कर ली हैं पसंद। और सच में अगर चूड़ी की दुकान में या बैंगल की दुकान में पहुँच जाइए ना, ऐसा लगता है कि सब ले चलो, मतलब इतनी अच्छी लगती है, ये लगता है कि सब उठा के ले जाओ, लेकिन जो ज़रूरत है वही ले जाएंगे हम। और इसके बाद मैं आ गई हूँ मैं श्रृंगार का सामान लेने, क्योंकि पूजा में जो श्रृंगार पूरा रहता है वो, और जो छिड़कने के लिए रहता है श्रृंगार पूरा, तो वो डबल श्रृंगार चाहता है। तो वही मैं श्रृंगार का, और श्रृंगार की दुकान देखिए आप हर तरीके से लग चुकी हैं, आप पूरा 16 श्रृंगार आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो बस यहाँ मैं खरीद रही हूँ। और आप कितना भी जल्दी जल्दी करिए, लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम तो लग ही जाता है। अब ये बोला कितना टाइम लगाती हो, अरे भाई आप सामान खरीदने आए तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि एक एक चीज़ ध्यान उठा के लेनी होती है कि बस उस टाइम पर ध्यान आता है अरे ये चीज़ तो रही गई, तो ऐसा ना हो इसलिए सारा सामान इकट्ठा सोच के रखवाना पड़ता है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ कपड़े की दुकान पे। यहाँ बहुत अच्छे राजस्थानी ड्रेस और लहंगे मिल जाते हैं, तो बस मैं वही देख रही थी कि कौन सा अच्छा रहेगा। और जितनी मैंने सारी शॉपिंग की है, तो बस चलिए घर चल के मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आपको अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊं, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको मिट्टी का करवा। देखिए हर बार मैं कलर करती थी खुद से, लेकिन इस बार मैं कलर किया हुआ लेके आई हूँ, तो ये मिट्टी का करवा लेके आई हूँ मैं और दिखाऊं आप लोगों को। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपको अपने कपड़ों से। तो ये देखिए मैंने ऑनलाइन साड़ियां मंगाई हुई हैं, लेकिन हो सकता है वो लेट में आए, मेरी रेडी ना हो पाए, इसलिए मैं रेडी करवा रही हूँ इस बार स्पेशल, जो कि मैंने किसी भी करवा चौथ में नहीं पहना है। तो इससे पहले या तो मैंने साड़ी ही पहनी है या लहंगा पहना है, और मैंने नहीं पहनी कोई भी और पोशाक, लेकिन इस बार मैं राजस्थानी पोशाक यानी कि वेस्ट पहनने वाली हूँ, वो भी बहुत ही खास है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो इसलिए मैंने साड़ी रेडी नहीं कराई है, इसीलिए रेडी कर रही हूँ। अब ये रेडी नहीं हुआ है, लेकिन बस मैं दीदी को उस दिन दिखा आई थी, मैंने बता दिया था, तो 2 दिन में सिल जाएगा पूरा। तो आप लोगों को दिखाऊं मैं, ये देखिए खड़े होकर दिखाते हैं, ये है पूरा बेस मेरा, ये देखिए। और ये है ऊपर का, ये ऊपर की है जो मैं पहनूंगी इस तरीके से। तो
फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। अभी कुछ सिलाई रहा नहीं है, मैंने वैसे ही पहन लिया। आप लोग इसकी सबसे अच्छी बात है, मुझे चुन्नी बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने ज्यादा साड़ी ऑर्डर नहीं की है, बस एक दो ही साड़ी ऑर्डर की है। और ये मेरे पास रखा ही हुआ था, और मैं बता दूं ये मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था, तो इसलिए मैं सोच रही थी इसको रेडी करा लूं। इसी ओकेशन पे हम ऐसे हैवी कपड़े मतलब पहन सकते हैं, वरना रोज में तो वैसे भी नहीं पहनते। साल में एक भी दिन आता है तो उसने शौक कर ली जाए। और मुझे बेस सच में बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा मन करता मैं रोज ही पहनूं, लेकिन रोज पहन नहीं सकते क्योंकि अपने यहाँ रोज गली में कुछ पहनते नहीं है। और राजस्थान में तो क्या पड़े भी पहनते ही है, ये राजपूती पोशाक ही है। तो इसे मैं रेडी करवाऊंगी और साड़ी दिखाऊंगी उनको। ये मेरे पास एक साड़ी रखी है, इसे मैं हो सकता है दिन के टाइम पहन लूँ। ये देखा मैं खोल के, इसे मैं दिन के टाइम पहन लूँगी। और ये बता दूँ, मुझे भाभी जी ने दी हुई थी। अब बिल्कुल न्यू साड़ियाँ रखी हुई है, देखिए मैं आप लोगों को टैग दिखा दूँ, एकदम न्यू साड़ी रखी हुई है। तो फिर मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये साड़ी मेरी भाभी जी ने दी हुई थी, तो बहुत दिन से रखी है। तो मैं सोच रही हूँ इस साड़ी को मैं रेडी करवा लूँ। और ये इसका आंचल है, इस तरीके से ये इसका आंचल है ये, और पूरा मैं दिखाऊंगा आपको। ये इसकी डिजाइन है नीचे की, ये बहुत अच्छी डिजाइन हो रखी है इसमें। ये देखिए, ये इस तरीके की बूटी है पूरे में, ऐसे इस तरीके की बूटी बनी हुई है पूरी साड़ी में। ये देखिए, ये बूटी पूरे में आई है। और ये इसका आंचल है, ये इसका आंचल है। और ये देखिए, बिल्कुल टैग लगा हुआ है, न्यू साड़ी है। तो मैंने कहा मैं इसे रेडी करवा लूंगी। फॉल्पी को इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो फॉल्पी को भी डाल आऊंगी जाके, जिससे ये पूरी। और ये वाला डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें देखिए पूरी साड़ी में डिजाइन हो रखा है ये। तो एक साड़ी मेरी ये हो गई, अब इनको तय करके रखूंगी बाद में। चलिए मैं और शॉपिंग दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये देखिए, और देखिए ये वेलवेट में चूड़ियां हैं, ये वेस्ट के मैच की हैं, इसी के मैच की हैं, वेस्ट के मैचिंग की। देखिए ये चूड़ियां हैं पास में, ये वेस्ट के मैचिंग की ही है क्योंकि मुझे वेस्ट ही पहनना है। और ये है कैलेंडर, और ये मैंने दो लिए हैं बिंदी के पत्ते। देखिए खास चीज पहन गई, ये दो नेल पॉलिश हैं, एक पिंक कलर में है और एक। देखिए फ्रेंड्स, ये बिछुए मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पास में चार है इनका डिजाइन, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बिछुए का, अच्छा लग रहा है ना, देखिए मस्त लग रहे हैं, सुंदर डिजाइन है इनका। और बिछुए हो गए, बिंदी हो गई, और ये है सोहा, वो जो वो देते हैं दान में, वो छिड़क देते हैं ना, ये सामान है जो दिया जाता है सासू माँ को। और ये रहा मेरा पूरा सुहाग का सामान, जो कि जाएगा ये पूजा करने के बाद दे देते हैं ननद को या सासू माँ को, तो ये उनके लिए है। यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग, और इस बार मैंने ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की क्योंकि थोड़ी बीच बीच में मेरी तबीयत भी डिस्टर्बेंस ही रही, इसलिए मैं ज्यादा मार्केट वगैरह घूमी नहीं। और बस ये जो पूजा का जरूरी सामान था ये, और बीच में हर साल करवा चौथ में ही बदलती हूँ मैं अक्सर, हर साल में और बीच में नहीं बदलती, इसलिए मैंने बिछुए ले लिए हैं। और वैसे भी बिछुए इसी उसमें चेंज करने चाहिए, हर बार चेंज नहीं करने चाहिए। तो
ये मेरे पास रखा ही है, मैं इसी को फाइनली रेडी कराऊंगी और इसी की मैचिंग की चूड़ियां वगैरह लेके आ गई हूँ। और फिर देखते हैं कि उस टाइम वैसे फाइनली मैं यही पहनूंगी, और अगर उस टाइम तक मेरी जो ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की है अगर साड़ी, तो यहीं पे करूंगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरी शॉपिंग कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।